इन दिनों क्रिकेट की दुनिया का हॉट टॉपिक श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20I में सूर्या ने 51 गेंदों पर 112 रन की नाबाद पारी खेल भारत को सीरीज जिताने में अहम रोल प्ले किया। सूर्य का T20I क्रिकेट में ये तीसरा शतक है। ये तीनों शतक पिछले 6 महीने में आए हैं, जिसकी वजह से उनकी जमकर तारीफ हो रही है। सूर्य के कमाल की बैटिंग का जिक्र पाकिस्तान तक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सलमान बट ने कहा है कि अगर सूर्या हमारे पाकिस्तान यहाँ होते तो वो शायद ही कामयाब हो पाते। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 30 से ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ियों की पॉलिसी का हवाला दिया है। सलमान बट ने अपने YouTube चैनल पर सूर्य के शतक को देख कहा, मैं हर जगह पढ़ रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तब आए जब वो 30 साल से भी ऊपर के थे। मैंने यही सोचा कि वो खुशकिस्मत है कि वो भारतीय हैं। अगर वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते तो वो 30 साल से ऊपर वाली पॉलिसी का शिकार होते। सलमान बट ने आगे कहा, जो भी खिलाड़ी टीम में है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो भी टीम में नहीं है उनके पास कोई मौका नहीं है। सूर्य कुमार 30 साल की उम्र में टीम में आए, इसलिए वो एक अपवाद है। दरअसल सूर्य ने मार्च 2021 में 30 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसके बाद से सूर्य ने भारत के लिए 44 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 43.1 की शानदार औसत से 1466 रन बनाए हैं। इस दौरान सूर्य का स्ट्राइक रेट तो और भी खतरनाक रहा है। सूर्य ने T20I में भारत के लिए 177.9 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। सलमान बट जिस पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं उसे लेकर रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि रमीज राजा के समय से PCB 30 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को नेशनल टीम में मौका नहीं देती, जिसकी वजह से कई बेहतरीन क्रिकेटर्स पाकिस्तान टीम तक नहीं पहुंच पाए। खैर, अब रमीज राजा PCB अध्यक्ष नहीं है, शाहिद अफरीदी सिलेक्टर्स कमेटी के प्रमुख हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ढेर सारे बदलाव किए हैं, जैसे टीम के सीनियर और 35 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद की टेस्ट टीम में वापसी करवाना। ऐसे में उम्मीद है कि वो इस पॉलिसी पर भी सही फैसला लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।